मोशन ब्लर। तुम लोगों ने कभी तो सोचा होगा किसका मोशन ब्लर बढ़िया है, लूनर का या फिर फेदर का। तो आज इस वीडियो के अंदर हम वही टेस्ट करने वाले हैं कि मोशन ब्लर किसका ज्यादा बढ़िया होता है और किसमें हमारे FPS ज्यादा आते हैं और किसमें हमारा PP हमारा बेस्ट हो जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिसको मोशन ब्लर के बारे में नहीं पता था, मैं उसको मोशन ब्लर के बारे में बता देता हूँ। मोशन ब्लर एक ऐसी चीज है जो गेम को ब्लर करके स्मूथ बना देता है। जैसे तुम्हारे FPS अभी इतने आ रहे होंगे तो तुम्हें गेम देखने में स्मूथ लगेगा और साथ में जो चीजें होंगी तुम्हें ब्लरी ब्लरी दिखेंगी और जितना तुम मोशन ब्लर को बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुम्हें ब्लरी दिखेगा। लेकिन ये भी एक लिमिट तक ही बढ़िया रहता है। जैसे मैं इसको 7 रख लूंगा, 7 तक ही फिर भी बढ़िया दिखेगा, 8 के बाद ये बहुत बेकार दिखना चालू हो जाता है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो मेरा जो मोशन है वो पूरा हट जाए मोशन ब्लर और मेरा गेम पूरा नॉर्मल हो जाएगा। सो अब मैं तुम लोगों को ये PvP सर्वर में जाके दिखा देता हूँ ये। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सर्वर के अंदर आ चुका हूँ और मैं तुम लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ। मोशन ब्लर जो है जितने ज्यादा तुम्हारे FPS आएंगे उतना तुम्हें मोशन ब्लर बढ़िया लगेगा। अब देखो मेरे यहाँ पे 7 पे सेट है, मैं उस मोशन ब्लर को ऑन कर लेता हूँ। मेरे को यहाँ पे इतना बेकार दिख रहा है ये अब, लेकिन मैं किसी अगर PvP के अंदर चलूंगा तो मेरे को मोशन ब्लर यही बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा। एक चीज और मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूँ कि तुम अपना मोशन ब्लर को 5 पे रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। 5 पे अभी देखो तुम लोगों को यहाँ मोशन ब्लर बड़ा बेकार दिख रहा हो, लेकिन मैं PvP के अंदर चलता हूँ और अब देखो मैं PvP के अंदर आ चुका हूँ और यहीं पे मेरा मोशन ब्लर देखो कितना स्मूथ हो गया। तो जितने ज्यादा FPS तुम्हारे आएंगे ना तुम्हारा मोशन ब्लर उतना ही स्मूथ हो जाएगा। अब सामने वाले बंदे से PvP करके देखते हैं क्या मेरे यहाँ पे PvP में इंप्रूवमेंट आती है या नहीं आती। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि गेम बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका है क्योंकि यहाँ जो मोशन ब्लर होता है ना वो मोशंस को ब्लर कर देता है और यहाँ पर ब्लर में एकदम स्मूथ लगता है वो गेम। और अब मैं इस बंदे को मारता हूँ जल्दी जल्दी। इस बंदे का लैग हो रहा है जितना मेरे को लग रहा है, फोटम गया इसका। नाइस नाइस, मरने वाला है, मर जा, एक हिट का बचा, मर जा मर जा मर जा, फोटम गया एक और, मर जा मर जा मर जा, और ये मरने वाला है। और एक हिट एक हिट एक हिट, एक और टूटम गया, मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा, मर गया। जी जीज। सो देखो यहाँ पे मेरे को मोशन ब्लर इतना बढ़िया लग रहा था, लेकिन अब मैं स्पॉन पर जाता हूँ, यहाँ पर देखो कितना बेकार लग रहा है मोशन ब्लर क्योंकि यहाँ मेरे FPS देख सकते हो कितने ज्यादा गंदे तरीके से गिर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बंदे हैं, इस वजह से FPS लॉस मिल जाता है। और मैं यहीं पे मोशन ब्लर को बंद करके खेलता हूँ एक गेम, तुम लोगों को दिखाता हूँ मोशन ब्लर बंद करके खेलने में कैसा दिखता है गेम। ओके, हमारा एक और गेम स्टार्ट हो चुका है, मोशन ब्लर मैंने बंद कर दिया है। अब देखते हैं कैसा गेम जाएगा। सामने वाला बंदा आ चुका है, अब देखो यहाँ पे कोई मोशन ब्लर नहीं दिखेगा। अब जो गेम है वो नॉर्मल चलेगा तो यहाँ पे स्मूथनेस नहीं लगेगी गेम में, लेकिन ज्यादा FPS आ सकते हैं। टोटम गया, मरने वाला ये, पता नहीं शायद से सर्वर लैग हो रहा है क्योंकि मेरी पिंग तो सही आ रही है। पोशंस मारने पड़ेंगे, ये मरने वाला है, गया। जी जी, फाइनल मैं तुमको कंक्लूजन बाद में दूंगा, अभी मैं यहाँ पे एक और गेम खेलने वाला हूँ, फिर मैं फेदर से आऊंगा, उसका भी मोशन ब्लर मेरे को चेक करना है कैसा मोशन ब्लर होता है उसका। पर्सनली मैंने फेदर का मोशन ब्लर आज तक यूज नहीं करा। एक गेम मैं अभी इसमें विदाउट मोशन ब्लर खेलूंगा और एक गेम मैं इसके अंदर एक मोशन ब्लर के साथ भी खेलूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक हाई एंड PC है, ब्रो सॉरी तेरे को मारना पड़ेगा क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ तो देखो मैं कह रहा था अगर तुम्हारे पास कोई हाई एंड PC है तब तुम जाके इसको यूज़ कर सकते हो मोशन ब्लर को, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई लो एंड PC है तो तुम मोशन ब्लर को यूज़ मत करना, नहीं तो जैसे मैंने तुमको लॉबी में दिखाया था वैसे तुम्हारा दिखेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड आई होप यह PvP करने के लिए तैयार है या रेडी है। ओके जी जी, ये वाला बंदा भी जा चुका है। सो अब देखो लॉबी फिर से आएगी, मैं तुम लोगों को इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मोशन ब्लर का, ये देखो कितना बेकार दिख रहा है।
अब मेरे FPS में देख सकते हो 60, 77, 103 ऐसे FPS आ रहे हैं, तो इन FPS में मोशन ब्लर लगाने का कोई फायदा नहीं, तुम नॉर्मल गेम खेलो अपना, वो ज्यादा बेटर होगा। अब मैं फेदर से आता हूँ, उसका मोशन ब्लर भी मेरे को टेस्ट करना है कि उसका मोशन ब्लर कैसा होगा। सो गाइस, जैसे तुम लोगों ने देखा था हमारा लूनर क्लाइंट के अंदर कैसा गेम चल रहा, तो मैं फेदर के अंदर आ चुका हूं, मैंने मोशन ब्लर को भी ऑन करके रखा हुआ है, और जैसे मेरे को लग रहा है फेदर का मोशन ब्लर ज्यादा बढ़िया चल रहा है, क्योंकि इसमें मेरे ज्यादा FPS आ रहे हैं लूनर के हिसाब से। अब देखो मेरा ऐसा गेम चल रहा है, इसमें तुम लोगों को अभी दिखेगा मोशन ब्लर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ज्यादा ब्लर दिखा रहा है, जिसकी वजह से लॉबी बेकार लगे, लॉबी में FPS कम आ रहे हैं, लेकिन जैसे गेम के अंदर जाएंगे हमारा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो मेरा एक दोस्त है यहाँ पे स्किंग, एक काम करते हैं इसी के साथ ड्यूल करते हैं, और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मोशन ब्लर का सबसे बेस्ट सेटिंग क्या होगी अगर तुम लोगों को फेदर में मोशन ब्लर लगाना है। तो मेरे यहाँ पे 50 पर है, जो कि मेरे को सबसे बेस्ट लग रहा है, इसमें ना तो यहाँ पे ज्यादा बेकार लग रहा है और ना ज्यादा यहाँ पे FPS भी ड्रॉप कर रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरे FPS भी लूनर क्लाइंट से बहुत ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत मस्त चीज है। स्किंग ने ड्यूल भेज दिया, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, हमारा ड्यूल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे इसका मोशन ब्लर मेरे को लूनर क्लाइंट के हिसाब से ज्यादा फीका लग रहा है, तो देखो इसमें इतना ज्यादा अच्छा ब्लर नहीं है, इतना ज्यादा स्मूथ नहीं लग रहा मेरे को लूनर क्लाइंट के हिसाब से। बाकी मैं खेल के देखता हूं कैसा गेम निकलता है हमारा। रुको, मेरे को फेदर में थोड़ी बहुत सेटिंग्स भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि लूनर में तो मैंने पूरा सेट करके रखा था कि मैं हमेशा पी लूनर से ही करता हूँ, फेदर में मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, इस वजह से मेरा कोई हाथ बैठा नहीं हुआ। इस पी के बाद मेरे को सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, और दोनों पी पी क्या मैं दो दो राउंड करने वाले हैं। स्टिंगर टोटम गया, जैसे मैं बता रहा था दोनों पी के हम दो दो राउंड करने वाले हैं, जिसमें हम पता चल जाए कौन सा हमारे यहाँ पे इफेक्टिव है कौन सा नहीं है, फिर मैं तुम लोगों को फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा। ओह शिट, पॉट्स मारने पड़ेंगे। अब ये वाला पीपी राउंड जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम लोग कंक्लूजन बताता हूँ इस राउंड का। सो इसमें एक चीज मैंने नोटिस करी, अगर तुम्हारे पास ज्यादा हाई एंड पीसी नहीं है तो भी तुम मोशन ब्लर लगा सकते हो। फेदर के अंदर इतना ज्यादा हाई एंड पीसी जरूरत नहीं पड़ती मोशन ब्लर लगाने के लिए। और यहाँ पे स्किन के दो हार्ट है, टोटम गया, एक और टोटम गया, नाइस, स्किन गया, जी जी हाँ, तो मैं जो कह रहा था वही बात सच है जितना मेरे को नोटिस हुआ है। एंड यहाँ पे एक और राउंड करने वाले, अब की बार मैं मोशन ब्लर को ऑफ कर लेता हूँ, ये राउंड हम विदाउट मोशन ब्लर करने वाले हैं। स्किंग ने मेरे को भेज दिया यहाँ पे, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, नाइस। गैपल को हम लेफ्ट हैंड में रखते हैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, तो मैं यहाँ पे पॉट्स मार लेता हूँ। अब चलो इसमें देखेंगे कि मेरे को यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि फेदर मैंने पी पी करा नहीं है, ऊपर से मोशन ब्लर मैंने ऑफ और कर लिया, देखते हैं। वैसे गेम मेरे को स्मूथ ही लग रहा है पहले से भी, मतलब बढ़िया लग रहा है। स्किंग मर गया, जी जी। अब यहाँ पे दो पीपीस और करते हैं, मैं एक काम करता हूँ फिर से यहाँ पे मोशन ब्लर को एक्टिव कर लेता हूँ, जिससे मेरे को ज्यादा अच्छे से आइडिया हो पाया कि कौन सा पीपी अभी भी बेटर निकल के आ रहा है। मोशन ब्लर देखो यहाँ पे लूनर क्लाइंट से बढ़िया दिख रहा है लॉबी के अंदर, जैसे मैंने पहले ही बताया था। इस तरीके से देखा जाए तो मेरे को ज्यादा मोशन ब्लर बढ़िया लग रहा है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के मामले में देखे तो ये बढ़िया है, लेकिन अगर गेम प्ले के मामले में देखे तो मेरे को लूनर क्लाइंट का मोशन ब्लर बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। ओके, तो ये ड्यूअल एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अब देखेंगे मोशन ब्लर के अंदर हमारे पीपी कैसे हो पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं मोशन ब्लर का साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ये हमारा मोशन ब्लर पहले 50 था, तो मैं एक काम कर देता हूँ इसको मैं 70 कर देता हूँ, जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ लूनर क्लाइंट के अंदर। स्किन मेरे को आती मारना चालू कर दिया, पॉट्स भी नहीं मार पाया मैं, बट कोई नहीं। इसमें देखो मेरे को ज्यादा ब्लरी दिख रहा है, FPS मेरे फिर भी सही आ रहे, लेकिन इसमें ज्यादा ब्लरी दिख रहा है मेरे को, इस वजह से मेरे को ये ब्लर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर तुम लोगों को फेदर का मोशन ब्लर यूज़ करना है, तुम लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा 4-5 के उसमें रखना, मतलब 40-50 के बीच में रखना, जिससे तुम्हारा मोशन ब्लर भी बढ़िया चलेगा। और अगर तुम लूनर क्लाइंट को यूज़ कर रहे हो और तुम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो मैं रिकमेंड करूँगा तुम 6-7 जा सकते हो, जो कि पीबी के टाइम पे बढ़िया होता है अगर तुम्हारे FPS अच्छे आते हैं। तो मैं स्किंग को अभी मारने पर फोकस करता हूँ, स्किंगर टूटा गया, नाइस, टूटम गया,
मेरे पॉट्स मारने पड़ेंगे मेरे को। पर्सनली मैं कहूंगा तो मेरे को फेदर के अंदर विदाउट मोशन ब्लर बढ़िया लगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है उसके अंदर हल्का बहुत कम मोशन ब्लर मिलता है जो कि इम्प्रूव करता है गेम को। मेरे को उसी में ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस लगता है। और स्किंग ने गलती कर दी, उसने मेरे को ही अपने पोशंस मार दिए। और नाइस, जी स्किंग भी मर चुका है। एक लास्ट राउंड करते हैं, उसके अंदर मैं अब फिर से मोशन ब्लर हटाने वाला हूँ और इसी मेरा फाइनल राउंड होगा। उसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कौन सा बेटर रहता है। ये देखो, इसके अंदर जो व्हाइटिश इफेक्ट आ रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। ये लूनर क्लाइंट का जो ओल्ड ब्लर है ना, सेम वैसे ही इफेक्ट है ये, जो मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगता है इस मामले में। मैं एक काम कर लेता हूँ, मोशन ब्लर को ऑफ कर लेते हैं। अब मैंने मोशन ब्लर को ऑफ कर लिया। ओके, तो ये विदाउट मोशन ब्लर पी भी करते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि विदाउट मोशन ब्लर भी इसमें हल्का फुल्का मोशन ब्लर एफ स्मूथनेस है। अब देखो मेरे एफ पी एस भी कितने ज़्यादा आ रहे हैं। विदाउट मोशन ब्लर मेरे 250 से 300 के बीच में आ रहे थे, मतलब विद मोशन ब्लर, और विदाउट मोशन ब्लर मेरे 400 कुछ जा रहे हैं एफ पी एस। अरे उसकी इनको मारते जल्दी से। टूटम गया, नाइस, एक और टूटम गया, बढ़िया। एक काम करने दे, इसको हील करने देते हैं, मैं तुम लोगों से बात करता हूँ। तो बेसिकली जब मैं यहाँ पे विदाउट मोशन ब्लर खेल रहा हूँ, मेरी ज़्यादा हिट्स हिट हो रही हैं, क्योंकि इसमें मोशन ब्लर के बिना बंदा सही से दिखता है। अगर मोशन ब्लर लगाते हैं ना ज़्यादा क्वान्टिटी वो भी, तो वहाँ पे ओल्ड ब्लर टाइप का लगता है लूनर के टाइप में, तो वहीं पर ना बेकार लगता है ये ब्लर। अब मैं स्किन को जल्दी जल्दी मारता हूँ, स्किन का एक और टूटम वेस्ट करवाना है। स्किंग बहुत लो है, जल्दी मारना पड़ेगा। स्किंग मरने वाला, टोटम जाएगा स्किंग का। रुको, मेरे पॉट्स गए, वापस से मार लिए मैंने पॉट्स। लेकिन फैदर के अंदर एक चीज़ बड़ी हो जाती है, तुम एक्सटर्नल मॉड्स डाल पाते हो, जो कि लूनर के अंदर पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अगर फैदर तुम यूज़ करते हो ना पीपी के लिए, तो वहाँ बढ़िया निकल के आता है। लेकिन अगर मोशन ब्लर की बात करें तो वहाँ पर तुम्हारा लूनर क्लाइंट ज़्यादा बढ़िया होगा। और स्किंग मरने वाला है यहाँ पे। एक बार मैं फाइनल गैपल खाता हूँ, फिर ये गेम खत्म करते हैं। नाइस, जी। सब तुम लोग मेरे से पूछोगे कि कौन सा यहाँ पे क्लाइंट बेटर है यहाँ पीवीपी के लिए और मोशन ब्लर यूज करने के लिए, तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अगर तुम लोगों को मोशन ब्लर यूज करना है तो तुम यहाँ पे लूनर क्लाइंट की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर तुमको नॉर्मल पीवीपी करनी है तो मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को फेदर ज़्यादा बढ़िया लगा है, क्योंकि इसमें वैसे भी स्मूथनेस मिलती है एंड यहाँ पे एफपीएस भी उससे ज़्यादा आ रहे थे, जो कि मेरे को बढ़िया लगा। तो तुम लोग इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मोशन ब्लर के लिए तुम जा सकते हो लूनर पे, जैसे मैंने बताया था। सो ये मेरे ओपिनियंस थे, और तुम लोग इस वीडियो को लाइक करते हो जाना और चैनल पे ना सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना। मैं मिलूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर देना। और मैं मिलूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।